सौदा आपका। मैं आज हमारे साथ हैं किरण जाधव डॉट कॉम के किरण जाधव। किरण जी गुड मॉर्निंग, आज है धनतेरस, तो आज आप किस चीज की खरीदारी करने वाले हैं? निफ्टी में खरीदारी करेंगे या जाके सोना या कोई धातु खरीदेंगे? ट्रेडिशनली जो सोना खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही, पर मेरा मानना है कि निफ्टी में भी खरीदारी कर की जा सकती है और बैंक निफ्टी में भी की जा सकती है। स्लाइट बायस अपवर्ड्स है और मेरा मानना है कि निफ्टी में हम करीबन 10,300 तक जा सकते हैं, और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कल तक के लिए अगर व्यू लिया जाए तो 24,850 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके और साथ ही में अगर बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पर रखनी चाहिए नजर, क्या रेंज आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का किरण जी? बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,600 24,650 के जोन में है। इसके नीचे अगर नहीं जाता है तो बिल्कुल निचले स्तर पर बाय करके चलना चाहिए और एग्रेसिवली बाइंग 24,750 775 के ऊपर करनी चाहिए। मेरा मानना है कल तक के लिए 24,850 के लेवल जरूर देखने में मिल जाने चाहिए। ये मेरे साथ किरण यादव बने हुए हैं और किरण जानना चाहेंगे आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आप अभी बता रहे हैं कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल, जो जिसका टारगेट रहेगा करीबन 724 जो कि कल तक आ जाना चाहिए, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 706 का लगाना बहुत जरूरी होगा। दूसरा रहेगा सीएससी, जहां पे बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 1034 का है और टारगेट्स के लिए 1058 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा रहेगा एनबीसीसी, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है, करीबन 5% की बढ़त देखने को मिल रही है, पर मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 244 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ नए पोजीशंस बनाने चाहिए 259 के टारगेट्स के लिए।